रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है हमारे यहाँ, मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5:25 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आदमी 5:25 पर बैठा हुआ है, हम रोजा नहीं खोलेंगे। नहीं नहीं क्यों? पता नहीं सूरज डूबा होगा या नहीं डूबा होगा। 5:30 हो गए फिर भी रोजा नहीं खोल रहा। नहीं नहीं, थोड़ा सा और भूखा रह लूं तो और ज्यादा सवाब मिलेगा। तो मिलेगा? अब वो ईशा तक रुक जाता नहीं, ईशा तक और भूखा रह लूं और ज्यादा सवाब मिलेगा। तो उसको सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या होगा? गुनाह और पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने रोजा तो रखा लेकिन रोजा मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि लोग मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर और भलाई में रहेंगे जब तक कि वो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। अब जल्दी करने का यह भी मतलब नहीं है कि असर के बाद ही खोल लो। जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही 5:25 पर सूरज डूबा आप फौरन रोजा इफ्तार कर लो, लेट मत होइए। अब जर्जी साहब के यहां मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5 सहरी का टाइम खत्म हो रहा है, सुबह जर्जी साहब की आंख लग गई, 7 उठे। क्या हुआ यार, सहरी नहीं कर रहा? अच्छा कितना? 5 सहरी का टाइम खत्म था, 7 बज गए, 2 ही घंटा तो लेट हुए। चलो अब सहरी कर लेते हैं, सहरी 7 कर ली। उधर 5:25 पर इफ्तार का टाइम हो गया, नहीं अभी नहीं इफ्तार करेंगे क्योंकि 2 घंटे बाद सहरी की थी इसलिए 2 घंटे बाद इफ्तार करेंगे। उधर हम 5:25 के बजाय 7:25 में इफ्तार कर रहे हैं। टाइम तो बराबर हो गया ना, टाइम तो बराबर हो गया ना, लेकिन ये रोजा नहीं माना जाएगा क्योंकि सहरी का टाइम खत्म हो रहा था 5। आपको 4:59 तक सहरी करना थी, 5:01 पे नहीं करना थी, लेकिन आप तो 7 कर रहे हैं। आपने उसूल तोड़ दिया, ज़ाब्ता तोड़ दिया, नबी अकरम का बनाया हुआ कानून तोड़ दिया, इसलिए आपका रोजा कबूल नहीं किया जाएगा। चाहे आप 7:30 खोलें, 8:30 खोलें, 9 इफ्तार करें, लेकिन नहीं माना जाएगा क्योंकि रोजा रखना मकसद नहीं है, शरीयत की पाबंदी कराना मकसद है। आइए एक और चीज से समझा देते हैं हम आपको। एक कागज है मेरे पास, मान लीजिए जेब में पड़ा होगा, ये मान लीजिए एक लिफाफा है हमारे पास, इस पे मैंने एक लेटर लिख दिया और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। सुनिएगा, बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूं, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, लेकिन उस पर 5 का जो टिकट लगता है सरकारी लिफाफे पर, वो हमने चिपका दिया सरकारी टिकट और एड्रेस लिखा। बताइए तो जब 5 का सरकारी टिकट लग गया और एड्रेस भी सही है तो हमारा लेटर अपने एड्रेस पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। सरकारी टिकट नहीं लगाया लेकिन लिफाफा हमने 1,000 का खरीद लिया, बहुत खूबसूरत है, डिजाइनदार है, बहुत अच्छा है, कागज बड़ा उम्दा है, उसकी कीमत 1,000 है। उस लिफाफे पर हमने लेटर लिखकर रख दिया लेकिन सरकारी टिकट 5 का नहीं लगाया, तो क्या वो अपने एड्रेस पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। और पहुंचेगा तो बैरिंग बन जाएगा, आपसे वसूल कर लिया जाएगा 10 गुना। नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उस पर सरकारी मोहर नहीं लगी है, सरकारी टिकट नहीं लगा है। तो पता चला कि 5 का सरकारी टिकट लग गया तो पहुंच जाएगा, 1,000 का खरीद लिया लेकिन सरकारी टिकट नहीं लगा तो नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से जोहर की नमाज 10 नहीं 12 पढ़ लो, 12 नहीं 12,000 पढ़ लो, मगरिब की नमाज 5 नहीं 7 पढ़ लो, 7 नहीं 7,000 पढ़ लो, तरावी 8 नहीं 20 पढ़ लो, 20 नहीं 20,000 पढ़ लो, लेकिन उस पर सरकार की मोहर नहीं है यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है तो वो हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, रकातों की तादाद का कोई मसला नहीं है, मसला यह है कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, माताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल तुम्हें जो दे, जिसने माँ को समझ लिया वो सब कुछ समझ गया। आज पूरी तकरीर मेरी समझ जाओगे अगर माँ को समझ लिया। माँ ये वाली माँ नहीं जिसके पेट से बच्चे पैदा होते, ये माँ नहीं, माँ अताकुम रसूल। यहाँ इस आयत में जो लफ्ज माँ आ रहा है उसको मैं कह रहा हूँ, माँ अताकुम रसूल फखुजूहु। माँ के 2 माना हैं, ज़हन में रखिएगा, दिमाग में, माइंड में, माँ के कितने माना हैं? या इस जगह 2, पहला माना जो और दूसरा माना जितना। माँ अताकुम रसूल का पहला तर्जुमा क्या होगा? माँ अताकुम रसूल, रसूल जो दे वो ले लो।
सुनिएगा क्या मतलब हुआ। मा अता कुमुर रसूल, रसूल जो दे वो ले लो। और दूसरा मां का तर्जुमा यहां ये होगा, मा अता कुमुर रसूल, रसूल जितना दे उतना ले लो। मतलब समझ रहे हो क्या, ना उसमें ज्यादा कर सकते हो ना उसमें कम कर सकते हो। अगर मगरिब की 3 रकात दी है फर्ज तो 3 ही पढ़ना है, अब अगर कोई 5 पढ़ ले तो गुनाहगार होगा। अल्लाह के रसूल ने वजू बनाने का हुक्म दिया तो 3 बार हाथ धुलने को कहा, 3 बार कुल्ला करने को, 3 बार नाक में पानी डालने को, 3 बार चेहरा धुलने को। अब कोई आदमी कहे यार मैं 4 बार धुल लेता हूं, जितना ज्यादा धुलो उतना ज्यादा चेहरा साफ होगा, जितना ज्यादा हाथ धुलो उतना ज्यादा हाथ साफ होगा, जितना ज्यादा पैर धुलो उतना ज्यादा पैर साफ होगा। तो माफ कीजिएगा, जो आदमी आजाए वजू को 4 बार या 5 बार धुलता है तो उसका वजू होगा नहीं, सुन्नत के खिलाफ करने पर उसकी नमाज रद्द कर दी जाएगी और उसको गुनाह पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जितना दिया था इसने उतना नहीं लिया, बल्कि नबी के दिए हुए को कम समझा, इसलिए उसने ज्यादती कर दी अपनी तरफ से, बढ़ा दिया अपनी तरफ से। तो नबी जो दे वो ले लो और जितना दे उतना ले लो। और इतना याद रखना, गलती बड़े बड़ों से हुई है, कोई आदमी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि हमसे खता नहीं हो सकती है। इस्लाम जानबूझकर खता करने को गुनाह करार देता है, लेकिन अनजाने में, मसलन हम बहुत पढ़े लिखे, एक मिसाल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं बहुत पढ़ा लिखा लेकिन हमको तहकीक करने में कोई गलती हो गई, लेकिन इल्म हो जाने के बाद कि सही चीज़ ये है, हम जो है वो गलत हैं, तो फिर सही चीज़ आ जाने के बाद हमको गलत चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, हमें गलत चीज़ को तर्क करना पड़ेगा। इल्म हो जाने के बाद भी हम उस पर जमे हुए हैं तो वो ठीक नहीं है। आइए मैं तुम्हें लेके चलता हूँ एक ऐसे मंजर की तरफ, आपको बड़ी हंसी आएगी, आपको बड़ा मजा भी आएगा, लेकिन मजा देने के लिए और हंसाने के लिए मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूं। यहां आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस का वाकया सुनाने जा रहा हूं, लेकिन इस वाकये में ही आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। 2 कदीम सहाबा हैं और सफर कर रहे हैं, एक का नाम है हजरत अम्मार और एक का नाम है हजरत उमर। उमर फारूक का तो नाम बहुत अच्छी तरह जानते हो और अम्मार का भी नाम जानते हो, हजरत सुमैया के बेटे हैं अम्मार, वो सुमैया जिनको शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया था और इस्लाम में पहली जो शहीद हुई थी खातून ओ। अब सुन लीजिए आप मेरी बात, अब जिसका पेशाब लग रहा हो वो उसको भी रोक लो, यहीं पर मत जाने दो यार, ये बार बार उठ रहे हैं मेरे सामने। असल में बात ये नहीं है, मेरे सामने उठना गलत नहीं है। एक बार हैदराबाद में मैं तकरीर कर रहा था तो कोई मेरे सामने से उठा तो मैं समझा पेशाब करने जा रहा है, वो पेशाब करने के बजाय वो सीधा मेरे मायक आके पकड़ के फेंक देता है और उसके बाद में लाठी डंडे और टमाटर अंडे चले वहां फेंके गए। तो मुझे वही मेरे दिमाग में भरा हुआ है, जब भी सामने से कोई उठता तो मुझे डर लगता है कि ये मायक पकड़ने ना आ रहा है। अब वही दिमाग है, मैंने कहा ना वो भूखा आदमी, उससे पूछा 2-2 क्या, कहता 4 रोटी। तो जो दिमाग में भरा होगा वही है ना, तो मेरे दिमाग में ये भरा है, जो भी सामने से उठता है मैं समझता हूँ ये माइक पकड़ने तो नहीं आ रहा है। जैसे अभी मौलाना मेरे कान में बोले तो मुझे यही लगा, कहीं कुछ लगा मुझे, लेकिन वो कान में बोल दिए, समझा दिए, ठीक है। तो सुनिए, एक थे अम्मार और एक थे उमर, दोनों सफर में थे। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूँ आपको, तभी आप समझ पाएंगे। दोनों सफर कर रहे हैं और रात में जंगल से गुजर हो रहा है, सोचते खतरनाक जानवर हैं इसलिए इसी जंगल में सो लिया जाए, आराम कर लिया जाए। उन्होंने अपनी अपनी चादर बिछाई और सो गए। फजर की नमाज में दोनों को उठना था, फजर की नमाज में दोनों को उठना था। बड़ा दिलचस्प वाक्य सुना रहा हूं, आपको भी मजा आएगा, सुनिए। और जिनको मसला मालूम नहीं होगा वो मसला भी जान जाएंगे। दोनों को फजर की नमाज में उठना था और दोनों फजर की नमाज के वक्त उठे, लेकिन दोनों ही जुम्बी हो गए। जुम्बी समझते हैं, दोनों को ही गुसल की जरूरत पड़ गई। अब तो समझ गए ना, खुलकर कहने की जरूरत नहीं है, यानी दोनों इंसान हैं, आदमी सोता है, दोनों को ही नाइट फॉल हो गया। अब गुसल करना पड़ेगा तभी नमाज होगी, लेकिन पानी नहीं, अब क्या किया जाए। तो हजरत अम्मार कहते हैं, उमर जी
मुझे मसला मालूम है। कहा क्या? सुनिए, बहुत स्लो सुना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल घुसा दूं। कहा, उमर मुझे मसला मालूम है, अल्लाह के नबी जुमे का खुतबा दे रहे थे तो आपने फरमाया जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हजरत उमर कहते चुप रहो, जिस मस्जिद में अल्लाह के नबी ने यह खुतबा दिया उसमें हम भी थे, आपने ये बात कही थी कि पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, लेकिन वो वुजू के लिए कहा था, गुसल के लिए नहीं। हमको वुजू की जरूरत नहीं है, गुसल की जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद में जो जुमे का खुतबा दिया था उसमें ये कहा था कि अगर वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, दोनों हाथ पाक मिट्टी पे मार के फूंक लो, चेहरे पे फेर लो, दाया हाथ बाएं हाथ पर, बाएं हाथ दाएं हाथ पर फेर लो तो तयम्मुम हो जाता है, ये अल्लाह के नबी ने बताया था। तो यहां तो वुजू का मामला नहीं है, हम लोग नापाक हैं, हम लोग को गुसल की जरूरत है। हजरत अम्मार कहते हैं, हजरत अम्मार कहते हैं तो एक काम करिए ना, वुजू में हाथ पैर मुंह कुल्ला किया जाता है और ये सब धुला जाता है, हमको गुसल की जरूरत है इसलिए पूरा पूरे जिस्म पे मिट्टी फेर लेते हैं, ऐसा करते हैं, यानी अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। देखिए, हजरत उमर कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? हमको मसला मालूम नहीं, कहीं ऐसा ना हो ऐसा करने पर गुनाह हो। तो हजरत अम्मार ने अपनी अकल चलाई और हजरत उमर ने अपनी अकल चलाई। हजरत अम्मार ने कहा तुम्हें नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा नमाज। तो हजरत अम्मार ने क्या किया, एक झाड़ी के पीछे चले गए, मिट्टी पड़ी थी, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज ने अपने जिस्म को उस पर पूरा मिट्टी में लोट लिया। बुखारी में क्या है, कमा तमर्रकुद्दाबा या तमर्रकु कमा तमर्रकुद्दाबा। हजरत अम्मार मिट्टी पर ऐसे लोटे ऐसे जैसे चौपाया, आपने देखा होगा जानवर को मिट्टी में ऐसे ऐसे करता ना, फिर झाड़ देता अपने आप को, पूरे जिस्म पर मिट्टी हो जाती है उसके। तो हजरत अम्मार ने ऐसे ही किया, पूरा करके पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और गए और नमाज पढ़ ली। हजरत उमर देख रहे हैं, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, हजरत अम्मार ने पढ़ ली। हजरत उमर ने कहा पता नहीं सही हुआ कि गलत, नहीं नहीं, उन्होंने अपनी अकल दौड़ाई, नमाज नहीं पढ़ी। शहर में गए, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिल गया और जैसे ही पानी मिला तो हजरत उमर ने सबसे पहले गुसल करके फजर की नमाज अदा कर ली, पढ़ ली। उस जमाने में मोबाइल का दौर नहीं था, दबाया, हाँ जर्जी साहब जरा बताइए तो मालूम है, रात के 3 बजे लोग हमें परेशान कर देते कभी, इसलिए मोबाइल बंद कर दिया, रख दिया। 3 बजे पूछते हैं मौलाना साहब फला हॉस्पिटल में मेरी बीबी एडमिट है, अच्छा अल्लाह ताला ने अभी अभी एक बेटा दिया, क्या नाम रखूं? अरे बच्चा आज पैदा हुआ है, कभी ना 7वें दिन नाम रखना है, तुझे अभी जरूरत क्या थी, सुबह पूछ लेता। रात में 3 बजे फोन करा, क्या नाम रखो? तो ये परेशान करने वाले लोग भी होते हैं, 3 बजे फोन कर रहे हैं, कह अरे मौलाना खुशी थी इसलिए बोल दिया। तो बोलो ना मौलाना साहब हमारे बच्चे के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला ने चांद सा बेटा दिया, ये क्या नाम, 3 बजे फोन कर रहा है। तो उस जमाने में फोन का जमाना नहीं था, अल्लाह के रसूल से मसला मालूम कर लिया जाए। अब सुनिए, अम्मार इब्ने यासिर ने नमाज पढ़ ली, हजरत उमर ने नहीं पढ़ी, जब सूरज निकल गया पानी मिल गया तब उमर फारूक ने नमाज पढ़ ली। जब सफर खत्म हुआ तो ये दोनों जब मदीने आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों ने अपना अपना किस्सा बयान किया, कि अल्लाह के रसूल बताइए हम दोनों में कौन सही, हम दोनों में कौन सही। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा दोनों को गुसल की जरूरत पड़ गई? कहाँ, कहा मार तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल हमें तो मालूम था पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जी बिल्कुल। तो हजरत उमर ने कहा ये तो आपने वुजू के लिए कहा था, इन्होंने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मार क्या किया था तुमने? कहा कि मैं तो ऐसे लोटा मिट्टी पर जैसे 4 पैर वाला जानवर जमीन पर लोटता, पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते कि अम्मार तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हजरत उमर बड़े खुश हैं, ये गलत हो गए तो हम तो सही हुए होंगे,
इनकी गलती है तो हम सही हो गए, हमने नमाज नहीं पढ़ी हम सही हो गए। तो कह लो ले और पूरे जिस्म पर मिट्टी मल लो, लो हो गया ना। तो कहा हजरते अम्मार ने, अल्लाह के नबी इनका सुनो इन्होंने क्या किया। तो हजरत उमर से पूछा तुमने क्या किया। कहा अल्लाह के रसूल जब तक पानी नहीं मिल गया मैंने गुस्ल ही नहीं किया, नमाज का वक्त निकल गया, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिला तो मैंने वजू बना गुस्ल किया फिर नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया है। इस मैदान में जितने लोग जमा है सुनो, अम्मार की बात को अल्लाह के रसूल रिजेक्ट कर रहे हैं पुराने सहाबी, और हजरत उमर फारूक की बात को भी रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि वो भी पुराने सहाबी। बल्कि उमर फारूक के बारे में तो कहा था लौ कान बादी नबीयुल काना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते, उमर। इतना बड़ा मकाम, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा, तुमने भी गलत किया। अय उमर और अय अम्मार दोनों का तयम्मुम एक ही है, वुजू का भी और गुसल का भी। अगर गुसल की भी जरूरत पड़ गई थी तब भी वही तयम्मुम करना चाहिए था जो नमाज के लिए किया जाता है, जो वुजू के लिए किया जाता है। बस यही काफी था, अपने दोनों हाथों को जमीन पर मारते, उसको फूंकते, देखो तयम्मुम का तरीका क्या है। ये मान लीजिए मिट्टी है, ये मिट्टी होना जरूरी है। बहुत से लोग पक्की दीवारों पर ऐसे मार देते हैं, नहीं चलेगा। बहुत से लोग पुती हुई दीवारों पे मार देते हैं ऐसे, नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा बड़ी मौजरत के साथ, नहीं चलेगा। मिट्टी होनी चाहिए, अब वो भी पाक। ऐसे दोनों हाथ जमीन पे ऐसे मारिए, ये ऐसे किया, और ऐसे करने के बाद ऐसे नहीं मलना है, ऐसे करके ऐसे नहीं मलना, पता पूरा वो आपका पाउंड क्रीम यही लग जाएगी, ऐसे नहीं करना है। ये जमीन पे मारा, तयम्मुम का तरीका सीखिए, ये जमीन पे मारा, फिर ये बस जितनी भी उड़ जाए मिट्टी तुम्हारे हाथ में लगी ऐसे करके उड़ गई। अब इन्हीं हाथों को ऐसे करना है, देखिए हो गया। अब यही हाथ दोबारा नहीं लेना है, इसी हाथ को बाएं हाथ के ऊपर ऐसे यहां तक ये कर लिया, और इस हाथ को ये तयम्मुम हो गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा था यकफी हाकदा, तुम्हारे लिए इतना कर लेना काफी था। तुमने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली, तुमने भी गलत किया, और अव्वल वक्त पर नमाज न पढ़ के सूरज के निकलने तक इंतजार करके फिर गुस्ल के लिए पानी मिल गया तब पानी नहाकर फिर तुमने नमाज पढ़ी, तुमने भी गलत किया, क्योंकि नमाज को उसके अव्वल वक्त से निकाल दिया। तो अब आप समझ रहे हैं गलती किन किन से हो सकती है। हजरत अम्मार से भी हो गई, हजरत उमर से भी हो सकती है, तो मौलवी जर्जी से क्यों नहीं हो सकती है। आज हम जैसे कोई मौलाना ये नहीं कह सकता कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, उसी को आंख बंद करके मान लो, नहीं। हर शख्स की बात शरीयत की कसौटी पर रखी जाएगी, अगर कुरान और हदीस से मिल रही होगी तो मानी जाएगी, कुरान और हदीस से नहीं मिल रही होगी तो नहीं मानी जाएगी। मेरे भाइयों इस चीज को याद रखना। आइए अब मैं तुम्हें एक ऐसे वाकये की तरफ लेके चलता हूं जिससे तुम्हें बहुत बड़ा मसला मालूम होगा। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, सुनिए, हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, और उस खुतबे के अंदर अल्लाह के फरमा रहे हैं कि लोगों आजकल मेहर बहुत बढ़ गया है। मेहर, मेहर जानते हैं ना, लड़की की शादी में जो रखा जाता है उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मेहर, देन मेहर, मोहर नहीं, मोहर तो वो होती है जो लगाई जाती है, मेहर, मेहर, देन मेहर, सही है। तो मेहर लोगों मेहर बढ़ता जा रहा है। हाय हाय हाय, सुनिए बहुत प्यारी बात, अब लोग बहुत ज्यादा ज्यादा मेहर रखने लगे, देने लगे, लड़कियां भी निकाह के मौके पर बहुत ज्यादा मेहर की डिमांड करने लगी। मैंने अल्लाह के नबी के निकाह देखे हैं, नबी की बीवियों को अल्लाह के नबी ने जो मेहर दिया वो मुझे मालूम है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों की ज़ैनब की, रुकैया की, उम्मे कुलसूम की और फातिमा की शादी की, तो कितना मेहर रखा ये भी मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा जो मेहर था वो 400 दिरहम
400 दिरहम का मेहर था, 400 दिरहम का, 400 दिरहम से ज्यादा मेहर अल्लाह के नबी ने नहीं रखा। लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देगा तो वो मेहर उमर उस औरत से छीन लेगा और बैतुल माल में जमा कर देगा। 400 से ज्यादा जो मेहर होगा, 400 तक तो उस औरत के पास रहेगा, लेकिन 400 के बाद जो भी मेहर देगा उतना वो जायद मेहर, मेहर जो ज्यादा है वो उस औरत से लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। ये किसने कहा? हजरत उमर ने कानून बना दिया, मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे दिया। खुतबा तो दे दिया, टाइम खत्म हो गया, उतर गए, जुमे की नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद उसी मस्जिद में पर्दे में एक औरतें भी नमाज पढ़ रही थी, पर्दा पड़ा हुआ था, औरतें भी नमाज पढ़ रही थी। एक बूढ़ी औरत आती है पर्दे से, कहती है अमीरुल मोमिनीन मुझे आपसे कुछ कहना है। बोला क्या कहना चाहती हो? बोलो। कहा वही आना चाहती हूँ, मैंने पैरों में सॉक्स मोजे पहन रखे हैं, हाथों में मैंने दास्ताने ग्लेव्स पहन रखे हैं, मेरा चेहरा छिपा हुआ है, मैं वहीं आकर आपसे रूबरू मिलना चाहती हूँ, आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर फारूक से कह रही है एक औरत कि आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर कहते हैं मैंने गलत बता दिया कि हाँ, आओ इधर। औरत, बूढ़ी औरत गई, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने इस मिंबर पर खड़े होकर ये कैसे कह दिया कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं दे सकता? हजरत उमर ने कहा मां, बूढ़ी मां, अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया, अपनी बेटियों के निकाह में 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं रखा। फिर उस औरत ने क्या जवाब दिया मीरुल मोमिनीन? 400 दिरहम देना एक अलग बात है, लेकिन 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दे सकता है कोई मर्द। क्या ऐसी कोई हदीस है आपके पास? क्या अल्लाह के रसूल ने 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देने को से मना किया? ऐसी कोई हदीस है आपके पास? तो हजरत उमर ने कहा मां, मुझसे हदीस क्यों मांग रही हो? क्या 400 दिरहम से ज्यादा भी कोई मेहर दे सकता है? ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? ये हजरत उमर ने उससे पूछा, ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन 400 दिरहम से ज्यादा भी मेहर दे सकता है, हदीस नहीं कुरान की आयत मौजूद है। हजरत उमर ने कहा कुरान में है? मैं रोज कुरान पढ़ता हूं। का रोज पढ़ते हो तब भी आपको नहीं मालूम? जल्दी बताओ, आए बूढ़ी औरत, आए माँ, जल्दी बताओ वो कौन सी कुरान की आयत है जिसमें लिखा हो कि 400 दिरहम से ज्यादा भी दे सकता है शौहर अपनी बीवी को मेहर? उस औरत ने, बूढ़िया ने कुरान की आयत पढ़ी, वो आतई तुम हिदाहुन किंतारन फला ताखुजु मिनहु शैआ। सोचिए, आतई तुम हिदाहुन किंतारन, तुम में से कोई भी शख्स अपनी बीवी को ढेर सारा माल देना चाहे तो दे सकता है, जितना चाहे उतना दे सकता है, किंतारा खजाने के खजाने दे सकता है, महल दे सकता है, मकान उसको दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है, जमीन दे सकता है, जायदाद दे सकता है, महल में उसके नाम पूरा का पूरा फ्लैट बुक कर सकता है, उसके नाम कर सकता है। जो शौहर अपनी बीवी को महल में जो देना चाहे दे सकता है। फला ताखुजू मिन्हा शैया, फिर तुम उसमें से कुछ भी लेने का हक नहीं रखते, कोई भी उस औरत से छीन नहीं सकता। ये उस औरत का हक है, उससे कोई उसका हक नहीं छीन सकता है। शौहर भी दे दे तो फिर वो भी वापस नहीं ले सकता। आए उमर, जब दिए हुए माल को शौहर नहीं ले सकता है तो आप कैसे ले सकते हैं? आपने ये कैसे कानून नाफिस कर दिया? कैसे कह दिया कि 400 दिरहम से ज्यादा अगर कोई अपनी बीवी को मेहर देगा तो वो मेहर छीन कर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा? आप रॉन्ग हैं, आपने गलत कहा है।
कुरान तो कहता है जितना चाहे उतना दे सकता है और उसमें से तुम कुछ बीज लेने का हक नहीं रखते। हजरत उमर ने लोगों से पूछा जो मस्जिद में बैठे हुए थे, उन लोगों से पूछा क्या ये आयत कुरान में मौजूद है जो बुढ़िया पढ़ रही है, ये औरत जो कुरान की आयत पढ़ रही है क्या ये आयत कुरान में मौजूद है? लोगों ने जवाब दिया हाँ ये आयत कुरान में मौजूद है। हजरत उमर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और फिर मिंबर पर दोबारा खड़े होते हैं और कहते हैं अख्तार रजुल व असाबत इमरातुन, अख्तार रजुल व असाबत इमरातुन, मर्द ने गलती की और एक औरत ने दुरुस्त बात की, एक औरत ने सच्ची बात की है, लिहाजा उमर अपनी बात वापस ले रहा है, अब इस औरत की दी हुई कुरान की आयत को नाफिज करता है। लोगों तुम जितना चाहो अपनी बीवी को मेहर दे दो, अब मैं किसी से मेहर की रकम नहीं छीनूंगा और बैतुल माल में जमा नहीं करूंगा। मेरे भाइयों एक आदमी कोई गलत फैसला कर सकता है लेकिन दलील आ जाने के बाद, कुरान की आयत आ जाने के बाद उसको मानना ही पड़ता है। जो आदमी गलत ही पर लगाई मैंने जो कहा वही सही है, सही बात आ जाने के बाद भी गलती पर अटलटका रहे नहीं मैंने जो कहा वही सही है तो ये चीज गलत होती है। हजरत उमर फारूक ने कहा अख्तर रजुल, मैंने गलती की है, मर्द से खता हो गई, औरत ने सच्ची बात कही है और फिर अपनी बात को वापस ले लिया। यही है सलफ, यही है मेरे भाइयों इस्लाम की, सही बात आ जाने के बाद आदमी सही बात को ले ले और अपनी पुरानी रविश छोड़ दे, अपना पुराना तरीका तर्क कर दे, अपना पुराने तरीके से तौबा कर ले और सही बात पर अमल करना शुरू कर दे। ऐसी कितनी मिसालें मेरे भाइयों हमें और आपको, हम और हमारे और आपके सामने आनी चाहिए जिससे आपको पता चल सकता है, पता चल जाएगा कि शरीयत के अंदर कुरान और हदीस से पढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है। जर्जीस भी गलत हो सकता है, इस मस्जिद इसमें मदरसे में और इस स्टेज पर बोलने वाले मौलाना से भी गलती हो सकती है लेकिन कुरान और हदीस की दलील आ जाने के बाद फिर मेरे भाइयों मैंने कहा ना दिमाग वहीं लगना चाहिए हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कुरान और हदीस में कैसा है। मेरे भाइयों इस चीज को आप देखिए, अपना दिमाग वहीं पर लगा दीजिए। आइए मैं आपको एक और जबरदस्त वाकये की तरफ लेके चलना चाहता हूं, जबरदस्त वाकया, जबरदस्त। हजरत उस्मान गनी का जमाना है, सुनिएगा। और एक वाकया जो हाँ बाद में आ रहा है वो पहले वाकये से ज्यादा मजेदार। हजरत उस्मान गनी के जमाने में एक वाकया पेश आ गया, एक शख्स हजरत उस्मान से मसला पूछने आ गया कि अमीरुल मोमिनीन अगर कोई औरत शादी के 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा करे तो उस बच्चे का क्या हुक्म है? सुन लीजिए, हमारे और आपके सामने भी ऐसे किस्से आ सकते हैं। हरीश चंद्रपुर वालों, अगर आपके इलाके में किसी लड़की की शादी हो जाए और 6 महीने के बाद अगर उसके बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे का क्या हुक्म होगा? सुनो, कहीं भी हो सकता है ये मंजर। अब जब अच्छे मसले आ गए तो आप लोग उठने भागने लगे। अब हम हर आदमी के कहने पर तो नहीं चल सकते हैं भाई, हर आदमी अगर राजीव गांधी बनेगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, आपको कुरान हदीस नहीं सुनना है। यह जलसा आपने दीन के नाम पे किया है कि योगी और मोदी के नाम पे किया? तुम कहोगे हालात के नाम पे चलना है, मौलाना कहते हैं कुरान हदीस बोलो, अहले हदीस पे बोलो, इस पे बोलो, तो हर आदमी के कहने पर तो नहीं चल सकता हूं ना। मैंने बंगाल के अंदर 20 साल से तकरीरें की हैं लेकिन सच बताऊं आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इस गांव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुझे आज तक भरे मजमे में जलसे में किसी ने नहीं टोका है जो आपने आज ये टोक कर और स्टेज पर ये बोलकर आज मेरे सामने ये कही जा रही है। हर आदमी मुझे अपने उंगली के इशारे से नचाना चाह रहा है, नहीं होता है ऐसा। अपनी आदत सुधारिए आप लोग, आइंदा इस जलसे में हम आएंगे या नहीं आएंगे ये हमें 50 बार सोचना पड़ेगा कि आपके गांव में आऊं या इस गांव के नाम पर हम रेड लाइन लगा दें और क्रॉस कर दें, ये हमें सोचना पड़ेगा। मजाक बना के रख दिया आपने कुरान और हदीस का। ये कहते हैं हदीस के बारे में बोलते, वो कहते हैं हालात के बारे में बोलिए। ड्रामा बना के रख दिया आपने जलसे का,
ये तकरीर है या खिचड़ी है कि दाल भी मिलाओ चावल भी मिलाओ? सुनिए, हजरत उस्मान गनी से पूछा जा रहा है कि 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है उसका? हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि वो औरत बदचलन है, शादी के बाद 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होना चाहिए, 6 महीने में कैसे हो जाएगा? कहने लगे, आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है, और 6 महीने के बाद आज ही मेरी बीवी ने एक बच्चा पैदा किया है। समझ रहे हैं ना आप उस सहाबी के पूछने का मकसद क्या है? वो ये पूछना चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इस बच्चे को जायज़ बच्चा मानूं या ना जायज़? ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी का कहीं पहले कोई कॉन्टेक्ट रहा हो और जिना की पैदावार हो और ये मेरा बच्चे का नाम पा जाए? हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो औरत बदचलन है तुम्हारी, लिहाजा उसने 6 महीने में जो बच्चा पैदा कर दिया वो गलत किया है। ये जुमेरात का दिन था, जुमेरात का दिन जानते ना, गुरुवार थर्सडे था। जुमे का खुतबा जब उस्मान गनी देने लगे तो वो आदमी सामने बैठा हुआ था जिसकी बीवी ने 6 महीने के बाद बच्चा पैदा किया, वो बैठा हुआ है। हजरत उस्मान खुतबा देते देते कहने लगे, लोगों, इसकी बीवी ने कल एक बच्चा पैदा किया है और वो बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। शादी के 6 महीने के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, इसकी बीवी ने शादी के 6 महीने के बाद ही बच्चा पैदा कर दिया है, लिहाजा अगले जुमे को इसकी बीवी को लाया जाएगा और जमीन पे सीने के बराबर गाड़ कर पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको जिनाकार मानते हुए उसकी जान ले ली जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हुक्म भी दे दिया। जुमे का खुतबा खत्म, जबकि उस्मान गनी का फैसला गलत था। अब सुनिए गलत कैसे था। जब जुमे का खुतबा खत्म हो गया, हजरत उस्मान ने नमाज पढ़ा दी, उसी मस्जिद में हजरत अली भी बैठे हुए थे। जब जुमे की नमाज खत्म हो गई तो हजरत अली ने लोगों से कहा, थोड़ी देर आप सब बैठें, हजरत उस्मान ने एक मसला गलत बता दिया है। तमाम लोग बैठ गए कि देखें हजरत अली क्या दलील पेश करते हैं, एक औरत के कत्ल का हुक्म दिया जा चुका है, देखें हजरत अली क्या उस औरत को कैसे बचाते हैं, देखें उस औरत को कैसे बचाते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं, आय अली कहिए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने यह मसला गलत बताया है कि कोई औरत 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा नाजायज है। हजरत उस्मान कहते हैं, 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं हुआ? हजरत अली ने कहा, नहीं, आज तक किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया? हजरत अली ने कहा कि वो मेरा मामला नहीं है और उसका इल्म मुझे नहीं है, किया कि नहीं किया वो मैं नहीं जानता। क्या अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में कोई बच्चा पैदा किया? हजरत अली मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि मुझे इसका भी इल्म नहीं है। कहा, जब इसका इल्म नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? कहा, कैसे, इसलिए रहा हूं कि 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं है। अच्छा, तुम ये भी कह रहे हो अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया? तुम ये भी मानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को जायज माना? तुम ये भी कह रहे हो कि आज तक किसी औरत ने 6 महीने के अंदर कोई बच्चा पैदा नहीं किया? फिर तुम ये कह रहे हो कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो जायज? क्या दलील है? क्या अल्लाह के रसूल से कोई हदीस है? हजरत अली कहते हैं, हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान में मसला मौजूद है। कुरान कहता है 6 महीने के बाद भी अगर औरत बच्चा पैदा कर दे तो बच्चे को जायज माना जाएगा। हजरत उस्मान कहते हैं, क्या कुरान में लिखा है? ये कुरान जो रोज मैं पढ़ता हूं। हजरत अली कहते हैं, आप पढ़ते हैं लेकिन शायद गौर नहीं कर सके। हजरत उस्मान ने कहा, लोगो, दलील